हम बात कर रहे हैं IRCTC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 2% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। ऑलमोस्ट 1160 के लेवल से 1160 के लेवल से लगातार गिरावट में स्टॉक हम देख सकते हैं, लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है और लगातार सेलिंग प्रेशर इस महीने में स्टॉक पर मार्केट पर ही बना हुआ है। FIIs दबाकर सेलिंग करते नज़र आ रहा है। अगर इसका डेटा देखा जाए दोस्तों तो एक बहुत बड़ा फिगर निकल कर आ रहा है जो FIIs सेलिंग कर चुका है। 1,00,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हमको इसका डाटा निकलते आ रहा है। आई थिंक HFCL की वीडियोस में इस डाटा के रिकॉर्ड्स को हमने शो भी किया है जिसमें FIIs की बड़ी सेलिंग हमको देखने के लिए मिल रही है। और PSU स्टॉक्स में अक्सर गिरावट है, ये भी एक रीज़न हो सकता है IRCTC में गिरावट का, जो कि इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग था। लगातार गिरावट के साथ स्टॉक ने सपोर्ट लिया 800 के लेवल पर, अपना मेजर सपोर्ट जो था 840 का लेवल। ब्रेकडाउन किया हमने डिस्कस भी किया था, फिर इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन करता है तो 820 से लेके 800 तक का फॉल दिखा सकता है। 800 अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है IRCTC के लिए, ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टॉक पर और मार्केट पर सेलिंग प्रेशर है जिसके चलते हो सकता है कि 800 का सपोर्ट ब्रेकडाउन करता हुआ नज़र आ जाए। अगर 800 का सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है तो 780 से लेके 760 तक का भी फॉल फिर IRCTC दिखा सकता है। लेकिन अब अगर इसमें रिकवरी आती है तो जो मेजर सपोर्ट था अब मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है 840 का लेवल, यहाँ तक का जम दिखा सकता है। अच्छे मोमेंटम के लिए, अच्छे अपसाइड के लिए 840 का लेवल ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर वैसी सिचुएशन में 880 से लेके 900 तक का जंप IRCTC दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।